हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार यादव, क्लास 12 के अंतर्गत बायो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। जेनेटिक्स के अंतर्गत आप पढ़ेंगे आज मोनोहाइब्रिड क्लास। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक गुण संकरण। एक गुण संकरण को पढ़ने से पहले हम लोग पूर्व की कुछ टॉपिक्स को सीख लेते हैं। आपने पढ़ा है कि मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को चयन किया था। वो 7 जोड़ी जो विपरीत लक्षण थे उनमें डोमिनेंट एंड रिसेसिव थे, प्रभावी और अप्रभावी थे। प्रभावी वो लक्षण होते हैं जो क्रॉस कराने के फलस्वरूप F1 जनरेशन में अपने लक्षणों को एक्सप्रेस करते हैं, वो प्रभावी होते हैं, तथा क्रॉस कराने के फलस्वरूप अगली पीढ़ी में जो लक्षण एक्सप्रेस नहीं होते हैं उन लक्षणों को हम लोग रिसेसिव कहते हैं। उसमें आपने 7 जोड़ी लक्षणों को पढ़ा था। पहले जो लक्षण थी उसमें आपने देखा था तने की लंबाई, इसमें आपने देखा था डोमिनेंट क्या थे, टाल थे, और रिसेसिव क्या थे, वो आपके डॉर्फ थे यानी कि बौने थे। उसी को लेकर हम लोग पढ़ते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया कि फर्स्ट लक्षण को उन्होंने जो चयन किया वो थे आपके तने की लंबाई। तने की लंबाई में डोमिनेंट टाल लंबापन और रिसेसिव डॉर्फ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराने को ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि लंबे तने वाले पौधे मटर के पौधे तथा बौने तने वाले मटर के पौधे के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने यही किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। उन्होंने क्या किया, टाल प्लांट्स को लिया और उन्होंने डॉर्फ प्लांट को लिया। इन दोनों प्लांट्स को लेने के फलस्वरूप मेंडल ने क्या किया, इन दोनों के बीच क्रॉस कराया। क्रॉस कराते समय उन्होंने कुछ सावधानियां बरती। इन्होंने क्या किया, जब भी इन्होंने क्रॉस कराया तो जिस पौधे पर ये प्रांगण को पहुंचाए उस पौधे के उन्होंने क्या किया, जो फीमेल पार्ट्स थे, फीमेल पार्ट्स के जो आप सॉरी जो मेल पार्ट थे यानी कि जो आपके पॉलन सैक होते हैं उसके मैच्योर होने से पहले, परिपक्व होने से पहले ही उसके पॉलन सैक को उन्होंने रिमूव कर दिया, जिससे कि उस मटर के प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन की जो क्षमता है वो खत्म हो जाए। मेंडल ने क्या किया, टाल प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन थे उस पॉलन ग्रेन को इन्होंने डॉर्फ प्लांट यानी कि बौनी पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचाया। टाल प्लांट्स के पॉलन ग्रेन का डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचाना ही क्रॉस कहलाता है। क्रॉस करने से पूर्व डॉर्फ प्लांट की इन्होंने नर भाग को काटकर हटा दिया, जिससे कि इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाए। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों पौधे की क्रॉस कराने के फलस्वरूप जो भी इससे सीड बने उन सीड को इन्होंने प्राप्त करके इसकी बुआई की, और बुआई करने के फलस्वरूप अगली पीढ़ी में जो भी प्लांट्स बने, अगली पीढ़ी में जो भी प्लांट्स बने वो आपके सभी टाल प्लांट्स ही बने। सभी क्या बने, टाल प्लांट्स बने। इससे पता चलता है वहां पर कि टाल का जो लक्षण है वो डॉर्फ प्लांट पर प्रभावी है, जिसके कारण ही F1 जनरेशन में सभी जो पौधे बने वो सभी लंबे तने वाले मटर के पौधे ही बने। जिन दो
पौधों के बीच मेंडल ने क्रॉस कराया, उस पीढ़ी के प्लांट्स को पी जनरेशन कहते हैं। यहां पी का मतलब पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया और इस क्रॉस क्रिया के फलस्वरूप आपके टाल प्लांट बने। जो भी टाल प्लांट्स बने क्रॉस कराने के फलस्वरूप, उसे इन्होंने F1 जेनरेशन नाम दिया। F1 जेनरेशन का मतलब यहां पर है, ये है प्रथम संतानीय पीढ़ी, फीलियल जनरेशन। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया मेंडल ने, कि F1 जनरेशन के जो प्लांट थे, इन F1 जनरेशन के प्लांट्स के में अब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया के अनुसार जो भी सीड इनको प्राप्त हुई, इन सीड की इन्होंने क्या की पुनः बुआई की। मेंडल ने F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण होने दिया, और इस स्वपरागण क्रिया के फलस्वरूप जो भी सीड इन्होंने कलेक्ट किया, उस सीड को इन्होंने बुआई की, और बुआई करने के फलस्वरूप जो भी उससे पौधे उगे, उन पौधों का जब उन्होंने निरीक्षण किया तो उन पौधों में 3:1 के अनुपात में 3:1 यानी कि 3:1 के अनुपात में टाल और डॉग यानी कि लंबे और बौने पौधे प्राप्त हुए। अर्थात कहने का मतलब यहां पर ये है कि 3:1 में कि F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन के फलस्वरूप जो भी सीड ने मिला, उस सीड की बुआई के बाद जो भी पौधे उगे, उनमें से अगर वो 100 प्लांट थे तो उस 100 प्लांट्स में से 75 प्लांट जो हैं वो टाल वाले, जबकि 25% जो प्लांट्स हैं वो आपके डॉर्फ वाले यानी कि बौने पौधे प्राप्त हुए। इसी को 3:1 कहते हैं। अगर जीनोटाइप देखा जाए तो ये मेंडल का आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसकी जीनोटाइप आपके कैप डबल कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराने के फलस्वरूप इसकी जो जीनोटाइप बनती है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी जो जीनोटाइप बनती है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये इसकी जीनोटाइप है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ लक्षणों को पढ़ लेते हैं, कुछ टॉपिक्स है उन छोटी छोटी हेडिंगों को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फीनोटाइप। फीनोटाइप जीव शरीर पर दिखने वाले जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों को फीनोटाइप कहते हैं। दृश्य रूप लक्षण जो दिखता है हमें जीव पर लक्षण, उस लक्षण को हम लोग फीनोटाइप कहते हैं। इसे आसानी से हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि दो
दो व्यक्तियों को हम लोग ले सकते हैं और देखते हैं उसमें कभी कभार हम लोग देखते हैं या कई व्यक्तियों को देखते हैं तो उसमें कुछ लोगों की हाइट जो है वो बड़ी मिलती है और कुछ की छोटी मिलती है। तो देखिए ये हाइट का क्या है, लक्षण है, और ये लक्षण हम लोगों को दो तरह के मिलने हैं या फिर मीडियम वाले भी लक्षण मिलते होंगे। तो जो बड़ी वाली हाइट मिल रही है ये हमको दिख रही है, छोटी वाली हाइट मिल रही है ये भी हमको दिख रही है, तो ये क्या है, ये लक्षण फिनोटाइप है। तो जो भी लक्षण दिखते हैं वो लक्षण आपके फिनोटाइप है, जीव शरीर का जीरोटाइप। सेकंड पॉइंट है छोटी सी, इसमें जीनोटाइप। जीनोटाइप जो फिनोटाइप्स हैं यानी कि जो लक्षण हैं इन लक्षणों को शरीर के अंदर कोई ना कोई फैक्टर है, कारक है जो इन लक्षणों को अपने अंदर रखती है, स्टोर कर रखती है। जो इन लक्षणों को शरीर के अंदर संचित कर रखती है उसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। जो चीज शरीर के अंदर लक्षणों को संचित करके रखती है उस चीज को मेंडल ने फैक्टर नाम दिया, जिसे बाद में जोहानसन नाम साइंटिस्ट ने जीन शब्द प्रयोग किया। अर्थात प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक जीन होते हैं और इन जीन को इन लक्षणों के को प्रदर्शित करने के लिए कुछ संकेतांक संकेतिक अक्षरों का यूज किया जाता है, जैसे कि इसमें लंबा कम टाल एंड डॉग्स, ये दो लक्षण है, ये फिनोटाइप में जो मटर के पौधे पर हम लोगों को दिखते हैं। देखिए ये जो लक्षण है जो मटर के पौधों पर एक्सप्रेस होते हैं, इन लक्षणों को मटर के प्लांट में कोई कलेक्ट करके यानी कि संचित करके अपने अंदर रखता है। जो संचित करके रखता है उसे मेंडल ने कहा फैक्टर, बाद में इसका जीन नाम दिया गया, और इनको प्रदर्शित करने के लिए जो शब्द यूज की जाती है वो आपके जीन जीनोटाइप है। तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी किसी लक्षण के जो जीन होते हैं वो युगल में पाए जाते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। जो होमोलॉगस क्रोमोजोम पर यानी कि समजात गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जबकि इसको हम लोग दिखा सकते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि ये जीनोटाइप फिनोटाइप जीनोटाइप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं होमोजाइगस होमोजाइगस, जब किसी लक्षण के जीन एक लक्षण के जो जो जीन है वो समान हो तो उसे हम लोग होमोजाइगस कहते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर टाल का जो लक्षण है इस जीन में स्थित है और इसके जो जीन है वो दोनों कैपिटल टी हैं, इस कारण ये होमोजाइगस कहलाता है। जबकि स्मॉल टी भी क्या है, यहां पर दोनों ये क्या है सिमिलर है, जो आपके बौने बौने लक्षण का जीन है और ये भी जो है वो क्या है सिमिलर है, इसलिए ये क्या है होमोजाइगस है। हेटरोजाइगस हेटरोजाइगस, जब किसी लक्षण के जीन जो युगल में जीन पाए जाते हैं यानी कि पेयर में जो है जीन वो दोनों क्या असमान हो तो उसे हम लोग हेटरोजाइगस कहते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें देख रहे हैं कि एक कैपिटल टी है दूसरी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी और स्मॉल जो टी है ये दोनों असमान है। यहां पर जो टी है
ये टी क्या कर रहा है, शो कर रहा है टाल को, जबकि स्मॉल टी जो है वो शो कर रहा है डॉर्फ को यानी कि बौनेपन को। तो ये जो जीन है ये क्या है, असमान है। तो इसे हम लोग हिटरोजाइगस कहते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म थी जिसको आप लोगों को याद रखना जरूरी है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हिटरोजाइगस। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, फिनोटाइप जीव शरीर पर दिखने वाले जो ट्रेट्स हैं, लक्षण है, उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि मटर के पौधे पर दिख रहा है आपको, आसानी से दिख जाता है, कुछ मटर के पौधे बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो ये लक्षण क्या है आपके, फिनोटाइप, जीनोटाइप। इन लक्षणों को, जो चीज अपने अंदर बॉडी के अंदर जो इन लक्षणों को संचित करके रखती है उसे हम लोग जीनोटाइप। जैसे कि ये डबल कैपिटल टी एक जीन है जिसे मेंडेल ने फैक्टर कहा, ये ताल के लक्षणों को रखी हुई है। ये जीव शरीर में उपस्थित होकर उस जीव में ताल लक्षणों को एक्सप्रेस करेंगे यानी कि शरीर पर प्रकट करेंगे। जबकि स्मॉल डबल स्मॉल टी ये भी जीन है ठीक, जो जीनोटाइप को शो कर रहा है, किसके जीनोटाइप को, डॉर्फ के यानी कि बौनेपन। होमोजाइगस किसी लक्षण के जो जीन है वो आपस में क्या हो, समान हो। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी यहाँ देख रहे हैं दो, यहाँ पर स्मॉल टी, तो ये क्या है, ये दोनों समान दिख रहे हैं। यहाँ पर भी नाटे यानी कि बौने पौधों के जो लक्षण हैं ये दोनों समान दिख रहे हैं, हिटरोजाइगस। किसी यानी किसी लक्षण के जो जीन है वो क्या है, असमान। यहाँ पर एक कैपिटल दिख रहा है दूसरा स्मॉल दिख रहा है, तो ये असमान दिख रहे हैं, तो इसे हम लोग हिटरोजाइगस कहते हैं। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने कुछ नियम बनाए हैं, इसे हम लोग फर्स्ट टू लॉ ऑफ मेंडल के नाम से जानते हैं, मेंडल के पहले दो नियम के नाम से जानते हैं। उसमें जो फर्स्ट नियम है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकेंड जो लाइन की निकल के आती है लॉ ऑफ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए ये दो नियम हैं, फर्स्ट टू लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के पहले दो नियम जो हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम। देखिए डोमिनेंस के नियम में क्या कुछ निकलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हम समझ सकते हैं। अभी आपने सीखा कि डोमिनेंट क्या होता है, दो जीवों के बीच क्रॉस कराने के फलस्वरूप आने वाली जनरेशन में जो लक्षण एक्सप्रेस होते हैं उन लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं आने वाले जनरेशन में क्रॉस कराने के फलस्वरूप उसे हम अप्रभावी रिसेसिव लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, टाल और डॉर्फ प्लांट के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के फलस्वरूप आप देख रहे हैं F1 जनरेशन, जो F1 जनरेशन के प्लांट यानी कि टाल जो आया वो सभी क्या आए, टाल वाले आए। इसे यहां पर ये स्पष्ट हुआ कि टाल प्लांट्स का जो ट्रेड्स है ये ट्रेड्स डॉर्फ प्लांट पर प्रभावी है, अर्थात ये लक्षण जो है इसके लक्षणों को दबा दे रहा है, जिसकी वजह से F1 जनरेशन में जो डॉर्फ प्लांट के जो ट्रेड्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, और ना एक्सप्रेस हो पाने के कारण ये अपने लक्षणों को पूरी तरह या कह सकते हैं बिल्कुल नहीं दिखा पाते हैं F1 जनरेशन में। तो टाल प्लांट्स को इसलिए हम लोग प्रभावी कहते हैं, और इसी चीज को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। इससे हम लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो फर्स्ट नियम मेंडल का मिलता है लॉ डोमिनेंस, ये फर्स्ट लॉ है मेंडल का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को हम लोग समझते हैं,
इसमें हम लोग समझते हैं यहां से आगे कि किसी जोड़ी के जो विपरीत लक्षण है, एक लक्षण है टाल और इस टाल में जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी इंडिकेट कर रहा है टाल को और ये स्मॉल टी इंडिकेट कर रहा है डॉग, बट इस कैपिटल टी के डोमिनेंट होने की वजह से स्मॉल टी जो है वो सुप्त है। इसी कारण एफोजेनेशन में जो टाल का जो ट्रेस है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया है। तो ये मैं समझा रहा हूँ सेग्रीगेशन में कि किसी जोड़ी के जो विपरीत लक्षण होते हैं, एक जोड़ी है वो लक्षण क्या है टाल, लेकिन विपरीत दिख रहा है इसमें आपको एक कैपिटल टी दिख रहा और स्मॉल टी दिख रहा है। किसी जोड़ी के जो विपरीत लक्षण होते हैं ये युग्मक फॉर्मेशन होता है जब, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन के समय ये जो लक्षण होते हैं ये अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। सेग्रीगेट अलग होना, अलग अलग होना, पृथक्करण अलग अलग होना। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि टाल प्लांट्स ये चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं एफ1 जनरेशन में हमको मिला है क्रॉस कराने के स्वरूप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक। ये एक लक्षण है जो टाल इस लक्षण की जो विपरीत जोड़ी है, अर्थात इस जोड़ी में जो विपरीत लक्षण आपको दिख रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी का, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन फॉर्मेशन इस गैमेट फॉर्मेशन में ये अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो इस तरह आपकी ये गैमेट फॉर्मेशन से आपके जो किसी जोड़ी के जो विपरीत लक्षण होते हैं वो लक्षण अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, बट ये गायब नहीं होते हैं, ये गायब नहीं होते हैं, पुनः आपस में मिलकर आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उस नेक्स्ट जनरेशन में ये पुनः अपने लक्षणों को एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं और अपने लक्षणों को उस प्लांट्स के अंदर बनाए रखते हैं। देख सकते हैं इसको कैपिटल टी एंड कैपिटल टी गैमेट फॉर्मेशन हुआ, ठीक। इसमें आपके F1 जनरेशन में एक साइंटिस्ट थे आपके पुणे साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको समझाने के लिए एक स्क्वायर दिया, एक आपके चार कोण का एक इन्होंने एक उसमें कुछ ब्रैकेट दिया चार, और जिसके द्वारा इसको हम लोग समझ सकते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन हुआ, जो लक्षण थे जो जीन में थे जीनोटाइप में थे वो अलग अलग युग्मकों में चले गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये आपकी पुनेट्स स्क्वायर, युग्मक फॉर्मेशन हुआ, ये आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपकी कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, इसको हम लोग मेल और इसको हम लोग फीमेल, यानी ऊपरी लाइन में हम लोग फीमेल के जीन टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बाई ओर हम लोग मेल के जो जीन टाइप हैं यानी जीनो टाइप हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये गैमेट फॉर्मेशन के फलस्वरूप ये आपके पॉलिन ग्रेन है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी गैमेट फॉर्मेशन के फलस्वरूप आपके एग है। अब इनका हम लोग फ्यूजन करा दें, यानी कि इनका हम लोग संलयन करा दें, तो फिर यही निकलता है कैपिटल टी और जब कैपिटल टी और कैपिटल डबल कैपिटल टी होते हैं तो ये इस लक्षण को एक्सप्रेस करेंगे टाल को, और टाल क्या है एक डोमिनेंट ट्रेस है, ठीक। जब यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉलन ग्रेन इस एक से अंडे से फ्यूज करेगा तो कैपिटल
कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला प्लांट्स बनाएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो प्लांट्स बनेगा वो आपके टाल बनेगा। क्यों टाल बनेगा? यहाँ पर टाल इसलिए बनेगा क्योंकि इस जीनोटाइप के साथ एक कैपिटल टी है। कैपिटल टी जो एक कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, इस कारण स्मॉल टी के जो डॉर्फ के जो ट्रेड्स हैं उसको ये दबा देगा और ये लक्षण जो बनाएगा वो आपके टाल बनाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब स्मॉल टी और कैपिटल टी मिलेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेंगे और ये लक्षण जो एक्सप्रेस करेंगे प्लांट में वो क्या यहाँ पर बनाएंगे भाई, एक कैपिटल टी, तो एक कैपिटल टी के उपस्थित होने के कारण जो लक्षण बनेगा वो क्या बनेगा, टाली बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि कैपिटल टी के जो ट्रेड्स हैं वो डोमिनेंट है, इसलिए एक्सप्रेस जो होगा लक्षण वो आपके टाली होगा। यहाँ टाल मिल गया आपको, लंबापन मिल गया, जबकि स्मॉल टी क्या है, ये आपके पॉलन ग्रेन गैमेट जो है इससे फ्यूज करेगा, तो आपके स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी मिलेंगे तो कौन से लक्षण शो करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे डॉर्फ को, ठीक, तो ये रिसेसिव लक्षण को शो करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जो लक्षण आपके F1 जनरेशन में गायब हो गए थे क्रॉस कराने के प्रसारों आप देख रहे थे कि इसमें क्रॉस कराने के प्रसारों के F1 जनरेशन में डॉर्फ प्लांट के जो लक्षण थे वो गायब हो गए थे, लेकिन F2 जनरेशन में वो लक्षण पुनः दिखे, यानी कि डॉर्फ पुनः दिखा। देखिए यहाँ पर आप सेग्रीगेशन से पढ़ रहे हैं, लाभ सेग्रीगेशन से कि जब भी किसी एक जोड़ी के जो विपरीत लक्षण हैं, जब भी युग्मक फॉर्मेशन होता है तो ये जो लक्षण होते हैं, इसके जो जीन होते हैं वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अलग अलग युग्मकों में जाने के फलस्वरूप जब भी इनका अपना आपस में फ्यूजन होता है तो ये लक्षण जो होते हैं बाद में आपके प्लांट्स में एक्सप्रेस होते हैं, जो आपके इस पुनेट्स स्क्वायर से हमें समझ में आ रहा है। जो आपके ये दिख रहे हैं टाल, यहाँ पर टाल दिख रहा है, ये भी टाल दिख रहा है और ये भी टाल दिख रहा है और ये आपके डॉर्फ यानी कि बौनापन दिख रहा है। तो ये क्या है, आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फलस्वरूप इससे जो स्पष्टीकरण मिलता है हम लोगों को, जो मेंडल ने इनहेरिटेंस के नियम बनाए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने जो बनाया था, पहले जो वंशागत के दो नियम बनाए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये हमको स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। देखिए सेल पॉलिनेशन क्रिया के फलस्वरूप जो भी प्लांट्स उन्होंने फिर उगाया था उससे हम लोग F2 जेनरेशन कहते हैं, छूट गया था F2 जेनरेशन कहते हैं। आगे भी उन्होंने F3 जेनरेशन तक भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फिलहाल यहाँ से हम लोगों को पेंडल के फर्स्ट लॉ समझ में आ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उम्मीद है कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है पूरी तरह समझ में आ गया होगा और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फलस्वरूप जो भी इसकी जो स्पष्टीकरण निकलती है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये भी समझ में आ गया होगा। आप इसको इसकी नोट बनाएंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए पूरी तरह और पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए।